पंजाब च जमीन का पानी जिहड़ा वो आने वाले 8 साल का उहदे लई कोई किसान लीडर नहीं गल कर रहा, कोई होर नहीं गल कर रहा। अज ये गल करते सी मल्टीनेशनल लै आए जी, अडानी अंबानी लै आए जी। अज अडानी दे सैलो ते ही किसान कहिंदे कि असीं उत्थे ही अपनी पैदावार वेचनी है क्योंकि उत्थे 3000 रुपया ज़्यादा मिलता। तुसीं जिहड़े इन्ने फायदे जे तुसीं गिना रहे हो, यानी कि सरकार की एक बोली बोल रहे हो, तो थोड़ा की लगता है तुम तो सीधे तौर पर किसान एक तरह के विरोध चाह के खड़े हो? किसान नूं खेती लाहेवंद धंधा चाहिए या नहीं चाहिए? हुण इह कहिंदे 2022 साडी आमदन दुगुनी करो। आमदन दुगुनी तां तां करांगे जे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट लागू होणगे, उह होण नहीं दित्ते इन्हां ने। साडा जिहड़े कणक आ उस दे बारे मिडल ईस्ट ने की कहा कि साडे पशुआं नूं पाउण दे वी इह फिट नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा इन्ना कहते सरकार, कांग्रेस ने हाहाकार मचाती थोड़े खिलाफ। कड़ी कांग्रेस ने हाहाकार मचाई है? कुछ नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं कि बेचारी। केजरीवाल जी कहते असी किसान का यह करता वह करता, हूँ पंजाब करो ना 23 फसलों की MSP हूँ देन। केरला ने दी आ, हरियाणा ने दी है, भी देन 23 फसलों की MSP कितने ऑल पार्टी ने देनी है? ये आप ही आम आदमी पार्टी कहती सी देंगे जो बाकी केरला ने दिता हो, हरियाणा ने दिता, बाकी स्टेटा ने दिता, ये भी कर। तुम्हार कहते एक दाना नहीं रहन देना, अजे तो हालात है नहीं। केंद्र ने पैसे दिते, भगवान मान ने की करते करता ये। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी तुसी देख रहे हो। लगातार देखिए तो जिहड़ा पुराना दिन निकल के गए, सरकार भी बन गई पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की, तो उदों पहले ही देखा जाए नाल दी नाल की सीगा कि BJP के प्रति रोह सीगा किसानां दा बहुत वड्डा। हालांकि उदों बाद खैर किसान कई इलैक्शन दे विच भी आए, हार होई, पर हुण देखा जाए तो सब तो वड्डा सवाल यह सीगा कि कानूनां दी सच्चियों लोड़ नहीं सी। पर हुण एक बार दुबारे फिर यह मुद्दा इस वास्ते गल करी है उठन लग्या कि नीति आयोग दे जो चेयरमैन ने कल कहिंदे ने कि नहीं एग्रीकल्चर रिफॉर्म वास्ते जरूरी है, पर की यह BJP की आपकी कोई सियासत है या फिर उही किसानों के शक शंके सही सी कि जिहड़े कितने कितने यह कल बैकफेयर ना कर जन। हरजीत गरेवाल ने साडे नाल, गरेवाल साहब देखा जाए किसान ने पहला भी यही गल कहिंदे सी, कहिंदे किसी ना किसी बहाने दुबारे ना लिया हुण कानून, कितने सानू दुबारे फिर मोर्चे लाने पै जाण, कितने वो कड़ी तो नहीं है? नीति आयोग के बंदे कह लगे भी नहीं जी कानून तो लियाने पैने सानू। नहीं नहीं, तुसीं इह देखो कि एग्रीकल्चर जे पुरानी जिहड़ी रवायती खेती चल रही है जिस तरीके नाल वो जे चलती रही तो वह घाटे का धंधा। हुण इह कहिंदे 2022 साडी आमदन दुगुनी करो, आमदन दुगुनी तो तां करांगे जे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट लागू होणगे, वो होण नहीं दित्ते इन्हां ने। ठीक है, उहदे च जे कोई इन्हां नूं नहीं मंजूर उहदी अमेंडमेंट भी हो सकदी है, सलाह मशवरा हो सकदा। नीति आयोग के मैंबर ने यही कहा कि साड़ी एग्रीकल्चर की ग्रोथ जिहड़ी आ वो 3% आ, 3% ते लाभ वाला धंधा नहीं हो सकता खेती, और सप्लाई एंड डिमांड ते जदों तक असी नहीं खेती नूं आधारित करांगे ते उदों तक ये गल नहीं बननी किन्नी जरूरत आ, और मुल भी कीमतां भी ठीक नहीं मिलनी। सानू कैश क्रॉप वाले पासे भी जाना, तुहानू पता साडा जिहड़े कणक आ उस दे बारे मिडल ईस्ट ने की कहा कि साडे पशुआं नूं पाउण दे वी इह फिट नहीं है, साडी जमीन जहरीली होगी, पेस्टिसाइड का असी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूरिए का जाए तो इस करके साडा जिहड़ा फसलां ने वो खाण दे काबल नहीं है। और पंजाब च जमीन का पानी जिहड़ा वो आने वाले 8 साल का नीचे, और पंजाब की जमीन खराब हो गई, पंजाब का वातावरण खराब हो गया, उहदे लई कोई किसान लीडर नहीं गल कर रहा, कोई होर नहीं गल कर रहा। तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की, पंजाब 5 साल तो बाद रहने वाली जगह नहीं रहना जे यही हालात रहे, असी ना सुधार किए तो इस करके तद ही सुधार होणगे जदों एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एक्ट आउणगे। अज ये गल करते सी मल्टीनेशनल लै आए जी, अडानी अंबानी लै आए जी। अज अडानी दे सैलो ते ही किसान कहिंदे कि असी उत्थे ही अपनी पैदावार वेचनी है क्योंकि उत्थे 3000 रुपया ज़्यादा मिलता। विद्वान जिवें कहिंदे हुंदे ने भी कई बार पढ़े लिखे लोग जिहड़े गल कह दिंदे ने उह प्रैक्टिकली गल्लां हुंदियां नहीं, क्योंकि दूजे पासे देखिया जावे ना तां सरकारां दा वड्डे सिस्टम ने कि किसान नूं इन्ना सौखा जां इन्ने विश्वास दे विच लै के, क्योंकि हुण तां हुणी हुणी हो के हटिया खेती कानून वाला, पहली गल तां किसान भरोसा किवें करनगे? नंबर 2 ते तुसीं जिहड़े इन्ने फायदे जे तुसीं गिना रहे हो, यानी कि सरकार दी एक बोली बोल रहे हो, तो थोड़ा की लगता है तुम तो सीधे तौर पर किसान एक तरह के विरोध चाह के खड़े हो गए, कल सुधार किवें मान लगे? अरे भाई मैं किसान के विरोध च नहीं,
मैं किसान संगठनों के बारे कहना, किसान दे दा हक च बोल रहा, मैं किसान नूं खेती लाहेवंद धंधा चाहिए या नहीं चाहिए, किसान नूं अपनी फसल कैश क्रॉप होण ते होर बदलवीं फसल होण जदों तक लागत खर्चे नहीं कटणगे। हुण की है, यूरिया महंगा होण जा रहा, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, इनपुट्स महंगी हो गई, लागत खर्चे बढ़ गए। बीजेपी नहीं करे पेट्रोल डीजल महंगा इन्ना कहते, सरकार कांग्रेस ने हाहाकार मचाती थोड़े खिलाफ। सुन लो गल, सुन लो, कि कांग्रेस ने हाहाकार मचाई है? कुछ नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं कि बेचारी, वो तो आपस ही लड़ी जाते हैं। पहली गल तो यह आ कि लागत खर्चे जीरो लागत खर्चे करने पैने, वो कदों होणगे जदों ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी 3 साल साडी जमीन ने जहरीली रहना, यह असर नहीं जाने, ये सबसिडी देनी पैनी है सरकार को। सबसिडी उदों दूगी जदों उहदे मुताबक खेती करोगे। जे तुसी खेती नूं लाहेवंद धंधा नहीं बनाउणा चाहुंदे फिर थोड़ा होएगा। तो इस करके ये खेती दे विच बहुत बदलाव करन दी जरूरत आ, तद पंजाब ने बचना, तद साडी खेती ने बचना। और ये मेरे भगवंत मान जी नूं अपील आ, केजरीवाल जी कहिंदे सी कि असीं तां जिहड़ा हैगा किसान उत्थे 2000 एकड़ जगह सारी असी किसान दा इह करता उह करता, हुण पंजाब च करो ना 23 फसलां दी MSP हुण देण। केरला ने दिती आ, हरियाणा ने दिती है, भी देण। और फिर किसान संगठनों नूं बुला के उन्हां नाल गल करन, अपने खेती माहिरां नूं बिठाउण। एवें कई जणा काले कानून ने, काले कानून ने उत्ते जो तब्दीलियां करन वालियां ने उह करन, सप्लाई एंड डिमांड ते खेती होवे, उस दे लई भारत सरकार नाल संपर्क किया जाए। ग्रेवाल साहब, एक चीज़ जिहड़ी तुसीं कही है वी गल्लां बातां होण, चलो वह तो एक पै गई, भविख दीआं गल्लां वी जो चर्चा शुरू करोंगे चर्चा नूं भी समा लग जूगा, एक उच्च फिर हल की निकलदा गल खैर बाद दी आ। पर जिवें तुसीं कहा वी उरे दी ताई कणक खाण वाली नहीं हैगी, उरे दी जिहड़ी है पैस्टीसाइड इन्ना वरत लिया, यानी कि जे जे सरकार ही सत्ता पक्षी यह गल कह रहा है भी साड़ियां तां चीज़ां सारियां तुसीं खराब देतीआं, तां फिर अगे बेचूगा कित्थों? यानी कि इह दुबारे भूमिका तां नहीं बनाई जा रही? तुसीं इदां करो, मिडल ईस्ट तों पता करवाओ, और तुसीं ऑनलाइन भी है सारा, मिडल ईस्ट तों ही पिया होया उत्थों दी गवर्नमेंट दा, ते ओह देख लो, देख के जे ना होवे तां फिर मैनूं कहो, ठीक है ना। तो इस करके जिहड़ियां सारियां गल्लां ने इहदे च जरूर सोचण दी जरूरत आ। भरोसा किवें करनगे किसान, जिवें हुण पहला खेती कानूनां नूं लैके एडा मोर्चा लाता? भरोसा करो, पंजाब सरकार ते कर लो, पंजाब सरकार नाल गल करो। इस करके भरोसे की गल नहीं है, तुसीं भरोसा दा तुसीं जिवें कर रहे हो ना चैनल, भरोसा नहीं है। भरोसा तुसीं उन्हां किसान संगठनां ते बनाउंदे हो जिहड़े लैफ्टिस्ट ने, जिहड़े उस विचारधारा तों प्रेरित होकर गल करदे। किसान की गल बायस्ट होकर नहीं करनी, किसान की गल देश हित च करनी है, पंजाब दे हित च करनी है, किसान दे हित च करनी है। सूबे दे विच जिवें तुसीं सीनियर बीजेपी के लीडर हो, बाकी भी ने थोड़े, तुसीं रिप्रेजेंट करदे इस चीज मुद्दे नूं लैके CM दे नाल भगवंत मान होरां दे नाल गलबात करोगे, कोई राबता बनाओगे कि हालात इस तरह के बन गए? असीं नीति आयोग नूं मिलांगे, उन्हां तों टाइम लै रहे हैं, उन्हां नूं इह दस्सांगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नूं भी मिलांगे कि भाई ये किसान हित दे विच किसान लीडरां नाल भी गल करो, और पंजाब सरकार की जिम्मेदारी लगाओ, और किसानां नूं भी ये गल समझाओ, तो फिर जिथे कितें कंसेंसस बनते आ वो चीज़ों नूं इंप्लीमेंट करो, ताकि पंजाब का किसान बचे। नहीं तो किसान लाहेवंद, खेती लाहेवंद धंधा नहीं रहनी, तो ये खराब हो जाना काम, ठीक है। पर नाल नाल जे कहीए तुसीं किसानां दी तां कहदी करो साहब, तुहानूं लगदा वी जिन्ने हुण सियासी ने बेशक सारी ऑल पार्टी कोई इस मसले ते मीटिंग बुलाई जावे, इस तरह की कोई रखोगे? नीति आयोग नूं तां ठीक है, तुसीं मिलो की करना, उन्हां नूं तां खुद समझ नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग की गल्लां करी जाने हो, खेती माहिर बैठन और 23 फसलों की MSP कितने ऑल पार्टी ने देनी है? ये आप ही आम आदमी पार्टी कहती सी देंगे, जो बाकी केरला ने दिता होया, हरियाणा ने दिता, बाकी स्टेटा ने दिता, ये भी करन, आप भी तो हिलजुल करन। एग्रेरियन बेस्ड इकोनमी है पंजाब की, तो उद्दे मैं की कहना है, उद्दे तो दिखाई दिता। पर सूबे तुम्हें लगता भी सूबे को एडा वा सिस्टम तो है नहीं, तो फिर जाना पू सेंटर के कोल, सेंटर कल उही कानून फिर अगे रख दूगा भी आह देख लो जी इस तरह लियादे से मननी मन लो। अरे सेंटर उन्हां कानूनों की गल नहीं करता, वो कानूनों की मंग तो किसान लीडर खुद करते रहे हैं। आ डायरैक्ट पेमेंट भी उस ही है जी खात्या मंग करते रहे हैं, हुण किसान खुश आ, ठीक है। तो लीडर बेशक खुश ना होण, तो जी कित भी आपकी फसल बेच सकन, 1400 किसानों ने राज्यवाल भी उन्होंने से जो पंजाब हरियाणा बने, उदू बाद की गल आ, तो 40-40 दिन की सज़ा कट के आए कि असी आपकी पैदावार कितने भी बेचीए, इन्ह कानूनों उ खुला होर की है।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਰੇ ਭਾਈ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੁੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ चलो ये कहता भी नीति आयोग मिलोगे कहा भी अगे भी कहे भी किसान लीडर भी बुलाओ ताकि सारे भरोसे च लैके गल बात हो पर लगता सौखा रह गया यह उन्नी चीज भावे भले की गल कर रहे हो पर जिम्मे कहते होंगे भी कई बार अगला भले की गल करता हूँ वह भी लोग शक के गेड़े देखते हैं हम जिनी इंटरव्यू थोड़ी सुन गए अगले लगू कि बीजेपी तो नहीं भूमिका बनाने लग गई नहीं भाई बीजेपी क्यों भूमिका बनाऊगी गल नहीं है गल किसान हित की तो आखिर गल करनी पैनी है ना कोई तो करेगा उसनों तो वो समझ जाएंगे जो गल उन्होंने समझाइया जाएगियाँ आ किसान लीडर के भुलेखिया च नहीं उन्होंने आना इन्हों को तो बहुत पैसे है कुछ अंदोलन कट्ठे हुए कुछ इन्हों नहीं कुछ चाहिए वो किसान बेचारे खर्चा करके आ गए सड़कों पर बह के तो इस करके गल हूँ मेरी गल सुनो एम एस पी है एम एस पी लिए उन्होंने कहता भाई कलम तुहाडे हाथ देती सरकार ने तो तुम नौ दो नौ देने तैयार नहीं आ करो जी वह करो जी जिम्मेदारी लैन वास्ते तैयार नहीं बाद नुकताचीनी करनी है क्योंकि नुकताचीनी किमें करे फिर प्रोटेस्ट हो जाते भी एम एस पी तो भज गया जी केंद्र कोई नहीं भजया तुम कानून बनाओ ना खुद बैठ के क्यों नहीं अपने मैंबर के नाम देते क्यों आपस झगड़ा कर रहे हो इस करके इन्हों गलों ना आओ जथेबंदियां ठीक नहीं बोलदियाँ आम किसानों ये गल समझ आ जानी है जिदन आ गई मैं देखो कहता सी चोणा भी लड़न गए मैं यह भी कहता सी इन्हां दी जमानत जब्त हो सारा कुछ हो गया ना तो हूँ मैं कहना कि जिहड़े किसान लीडर ने इन्हां दे पिछे किसान लंडे लैल भजया करे तुम मरवाते इन्हों समझ आ जानी किसान इन्ना ना समझ नहीं है इस देश का उन्होंने सारी समझ आ जानी है कि भी ये की करते हैं उन्होंने गुमराह करते हैं हूँ एम एस पी की कमेटी की नौ क्यों नहीं देंगे देन की झगड़ा वो बना लैन कानून जहाँ जहाँ बना भाजपा का हम साफ तौर पर यही गल कितने कहीं दिखा कि कहते जो हालात ने कम से कम उन्होंने तो समझो कि हालात इस तरह के बनने शुरू हो गए कि किसान ताइयों कल खुद लाहेवंद खुद वास्ते भी रख सकता जेकर सिस्टम के ना चलू पर गल तो हूँ यह कि आखिरकार जिड्डिया बड़िया शंकावान पहला केंद्र से खड़िया हो चुकी एक पूरा सनैरियो बनया एडा वा प्रोटेस्ट हो गया पर आखिरकार केंद्र जे हूँ सच भी कहता तो यकीन किमें किया जाए हालांकि अग्रवाल होर का कहना है कि साड़ी तो सलाह नीति आयोग में भी यह रहेगी भी कल किसान आगुआ किसानों के वो नुमाइंदों जोड़े किसानों का भला चाहते हैं उन्होंने तुम लो तो सूबा सरकार के सिस्टम किसानों को यह गल समझाओ भी फसल वो बीजो जिदी लोड़ है तो मंग है दूजे पासे चंगी क्वालिटी की जो चीज़ होगी तो ऑरगैनिक सिस्टम ही अपनाया जा सकता तो वो खर्चे भी घटेंगे पर गल यह भी इन्ना सौखा है क्योंकि अज दी जिहड़ियां परेशानियां ने भविख दियां उदू भी वड्डियां दिक्कतां खड़ियां ना हो जाण बीजेपी कहिंदे इस तां इसे लिहाजे दे नाल सोच रहे हैं सीनियर डेली पोस्ट पंजाबी चंडीगढ़।